अनिल जी, अरे अनिल जी, मार्केट का पंचनामा करना है। अरे मार्केट पूछो मत, बड़ी सुस्ती वाला दिन था आज। आप देखिए कितनी कॉफी पी चुका हूं मैं, सुबह से यही काम कर रहा हूँ। 15 पॉइंट, 10 पॉइंट ऊपर, 10 पॉइंट नीचे, कोई मूवी नहीं बाजार में, दिन भर सुस्ती। एक्चुअली कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, तो बाजार को डायरेक्शन ही समझ में नहीं आ रहा, करना क्या है। हुआ क्या, देखिए कल देर शाम करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर आए, अच्छे थे, लोगों को लगा बढ़िया तेजी होनी चाहिए, और उसके सामने आ गए ऑटो सेल्स के नंबर कमजोर, कोर सेक्टर ग्रोथ के आंकड़े कमजोर, तो नलीफाई हो गया। FIs खरीद रहे हैं लेकिन डोमेस्टिक फंड बेच रहे हैं, तो वहां पर भी बड़ी तेजी नहीं बन रही। अच्छी बात यह थी कि 6200 के आसपास हमने पूरा दिन भर बिताया, 3 दिनों की अच्छी तेजी के बाद थोड़ा रुकने में कोई हर्ज नहीं है। और एक और अच्छी बात, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में देखिए वहां पर तेजी बरकरार है, इसलिए बढ़ने और गिरने वाले शेयर बराबर। तो माहौल सुस्ती का था, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा आप कहें कि मूड खराब हो गया है, यू टर्न ले लिया, वैसा कुछ भी नहीं। अब भी इलेक्शन के नंबर्स आने वाले हैं परसों, एग्जिट पोल आएगा, उसके बाद पता चलेगा कि बाजार का डायरेक्शन क्या होने वाला है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हमने आज आराम किया है। तो अगर इस सुस्ती भरे माहौल में कुछ खरीदना हो तो कोई कुछ एडवाइस एडवाइस तो दे दीजिए। एक ही चीज खरीदी है, पावर ग्रिड, पावरफुल स्टॉक है। आज से FPO उसका खुला है, सरकारी कंपनी है, निफ्टी का स्टॉक है, दिग्गज सरकारी कंपनी है पावर सेक्टर की। और देखिए 85 से 90 रुपए की प्राइस बैंड है, 4.5 रुपए का डिस्काउंट रिटेल इन्वेस्टर को मिल रहा है। मैं कहता हूँ आप 2 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन लगा लीजिए, 4.5 रुपए का डिस्काउंट तो मिलेगा ही, और 85 रुपए की प्राइस होगी तो और भी अच्छी बात है। पक्के तौर पर 4-5% का रिटर्न 5-7-10 दिन के इन्वेस्टमेंट में बुरा है क्या, कहाँ मिलता है। अच्छा है, पैसा लगा लीजिए, आंख बंद करके सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं।